हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ओके, आई होप सभी ठीक होंगे। रियल नंबर की बात कर रहे थे और रियल नंबर में हम एक्सरसाइज 1.1 करा चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर टू का कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने थे, वेरी सिंपल। प्राइम फैक्टर आप बचपन से करते चले आए हो, फोर्थ क्लास से सीख रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। 140 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से, 2 से किया 70 एंड 2 से किया तो नेक्स्ट हमारा हो गया 35 एंड 5 से किया तो 7 एंड 7 से किया तो ये सारा मल्टीपल करके यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ना सारे हमारे प्राइम फैक्टर से करने हैं आपको। अब जानते हैं प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं, ओनली वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। और दिक्कत ये है ना, इसमें फैक्टर की बात करें तो ओनली 2 फैक्टर होते हैं। पहले वीडियो बता चुका हूँ, उसमें आप देख लें एक बार, सारा डिस्कस किया गया प्राइम नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। एलसीएम एंड एलसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, देन आपका इक्वल आना चाहिए। इट इज़ अ फॉर्मूला, फिफ्थ क्लास में भी आई होप आपने पढ़ा होगा। ये दो नंबर दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दूसरे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन को लेता हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं ना, एक बार देख लेते हैं बड़ी ईजी से। 26 को 2 इंटू 13, 26 हो गया 19, 13 से बन जाए 91। देन अब क्या करेंगे, अब इनका जो कॉमन आएगा वो एलसीएफ हो गया, दैट इज एलसीएफ एंड एलसीएम कॉमन के सिवा जो भी होगा वो एलसीएफ। अब क्या करना है, वो मेन चीज़ ये है कि हमें प्रूफ करना है एलसीएम एंड एलसीएफ, दिस इज एलसीएफ एंड दिस इज एलसीएम। यहाँ रख दिया मैंने, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया और 13 नंबर यहाँ आ गया। फर्स्ट और सेकेंड नंबर 26 एंड 91, दिस वन। मैंने क्या किया कि 13 एंड 2 मल्टीप्लाई किया तो 26 आया, और 13 एंड 7 मल्टीप्लाई किया तो 91 आया, जो कि 26 एंड 91 है, बोथ आर इक्वल। मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी इक्वल आएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था इसकी प्राइम फैक्टराइज करने, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार। मैंने पहला क्वेश्चन लिया और पहले क्वेश्चन में ना हमें ये दे रखे हैं, 15 को 2 इंटू 3 किया, 15 को हमने 3 इंटू 5 किया, ये 12 था, और 21 को 3 इंटू 7 किया। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इसमें से जो कॉमन आएगा वो हमारा एलसीएफ हो जाएगा, और इसके सिवाय जो भी होगा ना, जैसे 2, 2, 5, 7 उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई खुद कर लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, वही है, 17 प्राइम नंबर है, कुछ नहीं किया, 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 23 इज एल्सो प्राइम नंबर एंड 29 इज एल्सो प्राइम नंबर। सो द एलसीएफ विल बी 1 बिकॉज देयर इज अ कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, दैट्स व्हाई। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? 1, दिस इज द 1 एंड एक्स्ट्रा मल्टीपल, दिस वन एंड दिस वन, राइट, 17, 23 एंड 29, इन सब का मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा 11, 33, 9 आ जाएगा। और आप एक बार मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है ना, बेहद इजी कहते हैं इसको, सिर्फ आपको समझना है कि गिविन दैट द एलसीएफ, ये गिविन है आपका, एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो कर देंगे, एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एलसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो बच्चे, फर्स्ट नंबर हमारा ये है, सेकेंड नंबर हमारा ये है, और कुछ क्या किया हमने, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम फाइंड करना है जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो एक नंबर फाइंड करना होता है, दूसरे का डिवाइड करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेंगे, जो मैंने कर दिया है, इसको यहाँ से काट दीजिए, 9 3 27 एंड 9 4 36 और 34 और 657 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको 22 33 8 आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ईजी है ना, देख लेते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड, ये एंड दो बार लग गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, हमें क्या बात करनी है कि 6 to the power n है ना, इसका n 0 से होगा, इसके फैक्टर में 0 आएगा एंड, क्या पॉसिबल है वो चेक करना है। चलिए बच्चे ध्यान दें, ये वाला ना 6 के फैक्टर करेंगे 23 होगा। और एक और बात हमको पता है कि जब लास्ट में 0 होगा ना, तब आपको ये पता होना चाहिए कि 10 से डिविजिबल होगा,
एक और टू से भी डिविजिबल होगा क्योंकि जीरो इवन नंबर तो नहीं है लेकिन इवन प्लेस पर आने वाला नंबर है, एंड टू के सिवाय फाइव से भी होगा क्योंकि जब लास्ट में जीरो एंड फाइव होता है ना तो फाइव से डिविजिबल होता है। वही बात लिखी मैंने, एनी नंबर एंड विद द डिजिट जीरो देन इट शुड बी डिविजिबल बाई टेन, जीरो, टेन, टू एंड फाइव। सिक्स के फैक्टर करूँगा टू एंड टू थ्री हो जाएंगे, वेरी सिंपल। इसमें फाइव भी दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे जीरो आएगा, वही बात बोली गई कि जीरो आएगा, हम कहेंगे नहीं आएगा। क्यों? कि देर इज नॉट एनी फाइव इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स टू द पावर एन, तब फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन सिक्स टू द पावर एन विल नॉट बी डिविजिबल बाई फाइव। जब है नहीं तो डिविजिबल कहाँ से हो जाएगा भाई। चलिए तो वहीं पर पहुँच गए कि सिक्स की पावर एन का एंड पॉइंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फाइव है, फाइव और टू का कॉम्बिनेशन मिलकर के जीरो बनता है, दैट्स वाई जीरो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, बड़ा ईजी है, वो आपको खुद करना पड़ेगा, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे पढ़ देता हूँ, बेहद ईजी है। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, राइट, सेम था वही सब कुछ, उसी को 12 मिनट्स लेता है। एंड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर दोबारा से कहाँ से मिलेंगे, जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, अगेन फिर कब मिलेंगे। चलो इसको आप खुद ट्राई कीजिए, SCF या LCM दोनों में से एक सोचो और करियो। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ना एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आएंगे ना। चलो तब तक के लिए ओके, बाय।